हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा और आप सभी देख रहे हैं ब्रजवासी गर्ल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर में ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पिगमेंटेशन के लिए कुछ एक ऐसा जो आपको 100% रिजल्ट भी देगा और आपको बहुत ज़्यादा इसमें पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कल हमने बात की थी एक ऐसी क्रीम की जो दावा तो करती है कि वो आपकी जो पिगमेंटेशन है उसे 100% ख़त्म कर देगी हमेशा के लिए, लेकिन उस क्रीम में आयुर्वेदिक क्रीम के नाम पर स्टेरॉइड क्रीम डाली हुई है, वो अपने वादों पर खरा नहीं उतरता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत ही कॉस्टली चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, घर पर ही कुछ इजी सा यूज़ करना चाहते हैं और उससे उनको रिजल्ट भी अच्छे मिले। तो आई होप कि अभी तक आपने ब्रजवासी गर्ल को सब्सक्राइब कर दिया हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, होता क्या है पिगमेंटेशन जब आपको होती है, आपकी स्किन डार्क होने लगती है। जो आपकी स्किन का रियल कलर होता है उससे ज़्यादा डार्क हो जाती है, चाहे वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गई हो या हल्की ब्राउन हो या ब्लैक हो या आपकी स्किन के कलर से ही मैच करती हुई थोड़ी बहुत डार्क हो। मतलब ये है आपकी पूरी स्किन का कलर एक जैसा नहीं होता है, अलग होता है, उसे पिगमेंटेशन कहा जाता है। पिगमेंटेशन कह लीजिए, मलाजमा कह लीजिए, सब लोग अलग अलग नाम से कहते हैं, तो झाइयाँ भी कहते हैं इसको, झाइयाँ, कोई छाइया, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये होता क्यों है? देखिए, हार्मोन इंबैलेंस की वजह से तो होता है। डाइट अच्छे से नहीं लेते हैं, पानी नहीं पीते हैं या आप धूप में बहुत ज़्यादा रहते हैं तो इस वजह से भी होता है। कुछ एक स्टेरॉइड क्रीम के कारण भी होता है। जब आप स्टेरॉइड क्रीम यूज़ करते हैं तो जो आपकी पिगमेंटेशन है वो और भी ज़्यादा डार्क हो जाती है, आप छोड़ने के बाद में खुद देख सकते हैं। तो ये कुछ एक वजह होती हैं जो सबसे ज़्यादा है पिगमेंटेशन के लिए। ठीक है, तो आज हम यही बात करेंगे, इसको हम ख़त्म किस तरीके से कर सकते हैं, लाइट भी कर सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं। तो आपने विटामिन सी के बारे में तो सुना ही होगा ना दोस्तों, विटामिन सी को आप ले सकते हैं। आजकल फ्रूट्स में जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, ऑरेंज चल रहे हैं, आप उन्हें खा सकते हैं डेली बेसिस पर। लेकिन जो रेगुलर बेसिस पर ऑरेंज नहीं ले सकते हैं वो ले सकते हैं दोस्तों विटामिन सी की टैबलेट। इसका किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता है, आपको रेगुलर एक टैबलेट लेनी है, दिन में आप कभी भी ले लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हम सुबह लें या दोपहर को लें या रात को लें, किसी भी टाइम पानी से ले सकते हैं इस टैबलेट को। लेकिन आपको ध्यान रखना है खाना खाने के कम आधे से एक घंटे बाद ही लेनी है। अब देखिए दोस्तों, विटामिन सी की टैबलेट को खाने से क्या होगा, इससे जो डैमेज सेल्स हैं आपकी स्किन के वो निकलेंगे और आपकी जो स्किन है वो हेल्दी रहेगी, और जब हेल्दी रहेगी तो आपकी स्किन अच्छी लगेगी, ब्लड आपकी का साफ होगा, ब्लड सर्कुलेशन सही से होगा, स्किन स्मूथ होगी, लाइट होगी, दाग धब्बे हैं वो कम होने लगेंगे, डार्क सर्कल्स भी ख़त्म होंगे, सनबर्न नहीं होगा अगर आप इसको रेगुलर लेते हैं तो, स्किन हील होगी, झुर्रियाँ ख़त्म होंगी, स्किन क्लीन होती चली जाएगी। आप खुद देखेंगे बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती है, 20 से 25 रुपए में आपको ये इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। ठीक है, और ये 20 से 25 रुपए में मिलेगी और 20-25 इसमें टैबलेट आती हैं तो आपकी महीने भर ये चल जाएगी, बहुत ही कोई कॉस्टली नहीं है ये। जिनको पिगमेंटेशन होती है वो अंदर से बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं, टेंशन से जो आपकी पिगमेंटेशन है वो और ज़्यादा बढ़ती है, कम नहीं होती है, इसीलिए आपको टेंशन भी नहीं लेनी है। जब हम हीरोइंस को देखते हैं तो उनकी स्किन कितनी स्मूथ और अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये रियल में होता है? नहीं होता है दोस्तों, उनकी स्किन पर भी कई तरह की काफ़ी प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं, लेकिन वो हमारे सामने मेकअप से छुप जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता उनकी नेचुरल स्किन ही ऐसी है, तो आपको ये नहीं सोचना है जैसी उनकी स्किन मेकअप के साथ अच्छी लग रही वैसी हमारी विदाउट मेकअप लग सकती है। तो बस आप टेंशन फ्री रहिए और ब्राइट कलर के फ्रूट्स खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, तो ये तो आपको करना है। और ये लिम्सी टैबलेट ज़रूर लेनी है आपको दिन में एक बार, ये टैबलेट नहीं लेना चाहते हैं विटामिन सी की तो कोई और ले लीजिए, लेकिन मैं इसीलिए बता रही हूँ, ये सबसे सस्ती टैबलेट है होती है विटामिन सी की, 500 mg में ये टैबलेट आती है और इसमें 100 mg एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड वो एसिड होता है जो जल्दी से हमारी स्किन में जाता है, ये विटामिन सी का ही एक स्रोत होता है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारी स्किन के लिए। ठीक है, इसके साथ आपको एक चीज़ लगानी और है दोस्तों। क्या करना है दोस्तों? आपको विटामिन सी की टैबलेट लेनी है, लेकिन आपको लिम्सी नहीं लेनी है, क्योंकि लिम्सी में पाया जाता है ग्लूकोज
उसकी वजह से आपको एक्ने पिंपल्स हो सकते हैं अगर आप लगाते हैं तो। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन नहीं है तब आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन है तब आपको लिम्सी नहीं यूज़ करनी है लगाने के लिए, खाने के लिए आपको लिम्सी ही यूज़ करनी है। क्लीन नाम से एक टैबलेट आती है, ये भी विटामिन सी की ही होती है लेकिन इसमें ग्लूकोज नहीं होता है। 500 mg में ही ये आती है और 20 से 25 रुपये में ही आपको मिलेगी और 20-25 टैबलेट ही इसमें आती है। ये भी आपकी महीने भर चल जाएगी। हमें सिर्फ एक टैबलेट का रोज़ाना यूज़ करना है। खाने के लिए आपको ऑरेंज टैबलेट लेनी है लिम्सी और यूज़ लगाने के लिए आपको क्लीन टैबलेट लेनी है, ठीक है। बहुत ही कॉस्टली नहीं है, सिर्फ आपको इतना ही करना है। और रात को जब आप सोने जाएं तो अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद में आपको 2 मिनट स्टीम लेनी है, चाहे आप स्टीमर की हेल्प से ले सकते हैं या गैस पर पानी गर्म करके भी ले सकते हैं, वो आपकी अपनी खुद की मर्ज़ी है। स्टीम लेनी है सिर्फ 2 मिनट के लिए, क्योंकि ये रोज़ाना करना है तो बहुत ज़्यादा देर स्टीम नहीं लेनी है। 2 मिनट स्टीम लेने के बाद में आपको थोड़ी सी दही लेनी है। दही तो सभी के घरों में इजीली मिल जाती है ना, तो सिर्फ आपको आधा चम्मच दही लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। इसमें मैं विटामिन सी की एक टैबलेट को अच्छे से पीस करके उसका पाउडर अच्छे से बन जाए उसके बाद में मिक्स कर लेना है। और आपको अपने फेस वॉश करना है और भाप लेनी है 2 मिनट। उसके बाद में जब आपका फेस अच्छे से ड्राई हो जाए, दही और विटामिन सी की टैबलेट को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप किसी भी बाउल में भी कर सकते हैं और अपने हाथ पर भी कर सकते हैं, हाथ साफ होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है स्टील की कटोरी और स्टील की चम्मच पे मिक्स नहीं करना है। कोई भी प्लास्टिक का या कांच का बाउल है, कांच की या प्लास्टिक की चम्मच है तो आप उससे कर सकते हैं। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में अपने चेहरे पर 10 मिनट अच्छे से मसाज करें इससे, और फिर ऐसे ही छोड़ देना है। जितना भी पेस्ट आपने तैयार किया है वो पूरा लगा लें, अगर बचा भी है तो पैक की तरह लगा लें और मॉर्निंग में ही अपने फेस को वॉश करें। आप इसको महीने भर भी करके देखेंगे ना, आपकी स्किन बहुत ही स्मूथ ग्लोइंग होती जाएगी, जो भी स्किन प्रॉब्लम वो ख़त्म होगी, झाइयाँ भी हल्की पड़ने लग जाएंगी। लेकिन इसको आपको रेगुलर करना पड़ेगा क्योंकि ये एक होम रेमेडी है। तो जो झाइयाँ होती हैं वो आपकी स्किन की कई लेयर के अंदर पाई जाती हैं, और डिपेंड करता है आपकी स्किन की कितनी लेयर के अंदर है। अगर कम है तो वो जल्दी ठीक होगी, ज़्यादा है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको रेगुलर करना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इसी तरीके से यूज़ करें, आपको बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।